सरकार कोई भी आए या जाए पर यूपी पुलिस का काम करने का तरीका कोई नहीं बदल सकता। आज से 3 दिन पूर्व चंदपा के गांव खेड़ा परसोली में 15 साल की नाबालिग के साथ गांव के ही 27 वर्षीय विनोद नामक युवक ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए बलात्कार किया था। ऐसा नाबालिग बलात्कार की पीड़िता और उसकी माँ का कहना है। वही माँ के द्वारा पुलिस को तत्काल शिकायत दर्ज करवाई गयी थी। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को थाने ले गई, जहां आरोपी युवक को रात भर बंद रखा गया। पीड़िता की मां के अनुसार सुबह उससे रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कहकर पुलिस द्वारा खाली कागज पर साइन करवा लिए और उसे डरा धमका कर कैमरे के आगे ये कहलवा दिया जाता है कि बिना किसी दबाव के फैसला कर रही हूँ, और थाने से आरोपी को छोड़ दिया गया। फिर महिला द्वारा ह्यूमन हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई जाती है। जब इस बारे में पुलिस क्षेत्राधिकारी सादाबाद मनीषा सिंह से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि प्रार्थना पत्र मिल गया है और मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। दरोगा साहब ने मेरे पे साइन दे दिए सादा कागज पे, मुझे ये नहीं पता है। बाद में उन्होंने फैसला लिख तो मेरे सामने कुछ नहीं हुआ, तो इसमें अब मैं आगे मतलब इस दरोगा ने मेरी वीडियो बनाई। क्या वीडियो बनाई? यही कह मैं अपनी राजी से फैसला कर रही हूँ, ये कह ऐसा कह, तो मैंने नहीं मैंने की कोई अब झंडा है। हम तो पढ़े लिखे तो नहीं, हमको डर था, गरीब आदमी सर हम क्या करें, हमने बोल दिया उन्होंने दिया तो। अच्छा, जो उन्होंने कहा आपने वीडियो के सामने वो बोल दिया, क्या बोला आपने वीडियो में? मैं अपनी राशि से फैसला कर रही हूँ। अच्छा, ये पुलिस वालों ने बुलवाया था वीडियो में डंडे से? डंडे से। अब आप क्या चाहती हैं? मैं आगे कार्रवाई करूँगा। अभी आप थाने गई? थाने तो मैं नहीं, अब आप कार्रवाई क्यों चाहती हैं? मैं कार्रवाई करना चाहती हूँ, उस लड़की को सजा देनी। मैं वहाँ पे 8:30 बजे तो वहाँ पे नाली खाली में भी नहीं कर सकते, उसकी लाइट जल रही थी, धोखा भी चल रहा था, तो मैं चली गई। पता नहीं वो मेरी सब से देख रहा था, मैं क्या जानती हूँ। क्या नाम है उसका? प्लॉट से है ना वैसे। अच्छा अच्छा, वहाँ से ले गया तो उसने मेरे साथ छेड़छाड़ी की, पहले मेरे साथ पूरा गलत काम किया। गलत काम किया? हाँ, तो डर आ रहा था। तो हमने पुलिस को सूचना दी थी, जितने खेड़ा परसोली का मामला है। ये देखिए, चंदपा थाना क्षेत्र में खेड़ा परसोली जो गांव है, वहां पर एक एक लड़की है, उसकी मां की तरफ से तहरीर आई है कि जब वो लोग घर पर नहीं थे तो उसकी लड़की के साथ किसी आसपास से युवक के द्वारा दुष्कर्म किया गया है, जिसके संबंध में थाने पर एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पर अभियोग पंजीकृत करके और पीड़िता का मेडिकल और